हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था हम कवर करेंगे। इससे पहले कई सारे वीडियोस हम आपको दे चुके हैं टॉप 100 वाली सीरीज के, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे, यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली उन वीडियोज को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में कम्प्लीटली हम कवर करेंगे गाइस, और एमसीक्यू टेस्ट ये रहेगा, इसको रिविजन सीरीज भी आपकी ये होने वाली है। सुपर फास्ट तरीके से हम यहाँ पर रिविजन करेंगे, इसमें डिटेल्ड बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे। तो आइए फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के शानदार वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को आप दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। मध्य प्रदेश में भोपाल के अतिरिक्त अन्य किस स्थान पर राजभवन कार्यरत है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा हमारा होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल के अतिरिक्त एक अन्य स्थान है जहां पर राजभवन कार्यरत है, तो ये राजभवन कहाँ पर है? तो ये आपका होशंगाबाद में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, इनमें से बताना है एकमात्र राज्यपाल है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। सही जवाब रहेगा निरंजन नाथ, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, ऐसे राज्यपाल है एकमात्र जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकमात्र राज्यपाल जिनका जन्म वर्तमान भारत से बाहर हुआ, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा भाई महावीर, भाई महावीर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र नागरिक सम्मान प्राप्त राज्यपाल कौन है? तो ये नागरिक सम्मान प्राप्त राज्यपाल है जो कि एकमात्र है मध्य प्रदेश के, इनका नाम है हरि विनायक पाटस्कर, हरि विनायक पाटस्कर इनका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल स्थित राजभवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भोपाल स्थित राजभवन को जाना जाता है लाल कोठी के नाम से, लाल कोठी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर उस पर चल रहा है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा, लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही एमपी करंट अफेयर की भी ई बुक है हमारी बेस्ट 2022 की, इसका डेमो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, काफी अच्छी ई बुक है, अब तक की सबसे एडवांस ई बुक ये है, इसका डेमो आप चेकआउट करिएगा, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कितने एडवांस लेवल की ये ई बुक है। साथ ही गाइस, पीएससी की जो टेस्ट सीरीज में पूरे 70 टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कीजिएगा, उसमें एफएलटी जो है फुल लेंथ टेस्ट वो भी हमने नए एफएलटी डाल दिए हैं, तो आप एफएलटी लगाइएगा, उनमें आपको काफी जो है अच्छा स्कोर आपको देखने को मिलेगा, साथ ही आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमीदिया कॉलेज में ने किस स्थान में अपना जो है संसाधन प्रारंभ किया? तो हमीदिया कॉलेज ने ये जो अपना संसाधन प्रारंभ किया ये कहाँ पर किया था? ये मिंटो हॉल में किया, कहाँ पर? मिंटो हॉल ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। चार्ल्स कोरिया द्वारा निर्मित संरचना इसमें से कौन सी नहीं है? गाइस, इसमें से वल्लभ भवन जो है ये चार्ल्स कोरिया के द्वारा निर्मित संरचना नहीं है, बाकी भारत भवन, पर्यायवास भवन और विधानसभा भवन ये सभी चार्ल्स कोरिया द्वारा निर्मित है। पुलिस मुख्यालय भोपाल यानी पीएचक्यू भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? पीएचक्यू भवन जो कि वर्तमान में पुलिस मुख्यालय है पुलिस का भोपाल में, तो इस पीएचक्यू भवन का जो निर्माण करवाया गया ये करवाया गया शाहजहां बेगम के द्वारा, शाहजहां बेगम ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्राम तथा नगर रक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये पारित किया गया 1999 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम जो पारित किया गया ये पारित किया गया 1968 में, 1968 डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम महापंजीयक कौन थे? तो इनका नाम है जी चिप्सोनकर, यहाँ से हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किन स्थानों में न्यायिक अकादमियां उपस्थित है? तो न्यायिक अकादमियां जो उपस्थित है ये उपस्थित है इंदौर और भोपाल, इंदौर और आपका यहाँ से माफ कीजिएगा भोपाल में है और आपकी जबलपुर में ये है। कहाँ पर है? न्यायिक अकादमियां की बात की गई है, ये आपकी इंदौर में नहीं है, ये आपकी भोपाल और जबलपुर में है, तो हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, ए और सी दोनों ले रहे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उप महापौर का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? उप महापौर का पद समाप्त किया गया 1999 में। मध्य प्रदेश जल नियम मर्यादित की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित की जो स्थापना की गई ये निगम है और इसकी स्थापना की गई कब की गई? 2012 में, ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। मध्य प्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1974 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा,
1974 में मध्य प्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का प्रारंभ किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम कवर यहाँ पर कर रहे हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है, यह कथन किसका है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है, यह कथन सरोजिनी नायडू का है। आई थिंक आप सभी को इनके बारे में पता होगा। दो या दो से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल बनाने का प्रावधान किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है 7वां संविधान संशोधन से। इसके तहत दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल राज्यों का जो है संयुक्त राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है। नेहरू युग में प्रशासन का पांचवा पहिया किस संस्था को कहा गया है? तो प्रशासन का पांचवा पहिया नेहरू युग में कहा गया है किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री में सलाह लेना, मुख्यमंत्री से सलाह लेना यहाँ किस आयोग की अनुशंसा थी? तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह लेना ये जो अनुशंसा थी ये थी प्रशासनिक सुधार आयोग की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, भारत तथा मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए उत्तर प्रदेश, भारत तथा मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की जो नियुक्ति की गई ये कब की गई ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। 1947 में उत्तर प्रदेश, भारत और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई 1989 में। तो 47-89 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सचिवालय का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश सचिवालय का जो नाम है इसका नाम है वल्लभ भवन, वल्लभ भवन ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? तो इनमें से मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव नहीं रहे इनका नाम है ब्रज मोहन मिश्रा, बाकी सुधीर रंजन मोहंती, बसंत प्रताप सिंह, गोपाल रेड्डी ये सभी मुख्य सचिव रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आरसीपीवी नरोन्ना प्रशासनिक तथा प्रबंधन अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई या कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1966 में। इसकी स्थापना की गई कब की गई? 1966 में। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव को केंद्रीय सचिव का दर्जा कब प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया 1973 में। 1973 हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। आरसीवीपी नरोन्ना की आत्मकथा का नाम आपको बताना है। देखिए इसकी आत्मकथा का जो नाम है ये आपको बताना है, इसका नाम है A Tale Told by an Idiot, इसका नाम है। तो यहां से हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय जेल प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपकी भोपाल में स्थित है, क्षेत्रीय जेल प्रबंधन संस्थान ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हमारा जेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका सागर में है, मध्य प्रदेश के सागर में। मध्य प्रदेश में कैदियों के योग शिक्षा को कब से अनिवार्य किया गया? इसको अनिवार्य किया गया 1995 से। 1995 फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को हर साल मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। प्रथम ISO प्रमाणित DIG कार्यालय कौन सा है? सही जवाब रहेगा इंदौर, प्रथम ISO प्रमाणित DIG कार्यालय है। तो यहां से भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारत के रक्षा मंत्री भी थे, सही जवाब रहेगा कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो भारत के रक्षा मंत्री भी थे। देश में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति कब हुई? तो देखिए देश के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री प्रथम की बात यहाँ पर की जा रही है। सही जवाब रहेगा हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 और 2003 में। देखिए 2003 में मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री बनी थी ये उमा भारती बनी थी, आप सभी ने पता ही है, क्लियर है? तो 2003 में और 1963 में भारत के किसी देश के किसी भी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब रहेगा अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। लीलाधर जोशी कौन थे? तो मध्य भारत प्रांत के मुख्यमंत्री थे, मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी, ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश योजना मंडल के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे इनका नाम यहाँ से बताना है आपको,
देखिए प्रकाश चंद्र सेठी बिल्कुल नहीं, कैलाश जोशी बिल्कुल नहीं, कैलाश नाथ काट ये भी नहीं, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे ये इन तीनों में से नहीं थे। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री अपने सदन के नेता नहीं थे? सही जवाब रहेगा गोविंद नारायण सिंह, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अपने सदन के नेता ये नहीं थे। जिला योजना समिति अधिनियम कब पारित किया गया? 1995 में जिला योजना समिति अधिनियम पारित किया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इमारत के वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार का नाम क्या है? हेनरी इरविन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इमारत के मुख्य वास्तुकार का नाम है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता किस वर्ष पारित की गई? 1959 में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता पारित की गई। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सन 2008 में मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत किया गया? सही जवाब रहेगा 118(3) के अंतर्गत इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सही जवाब रहेगा 1981 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना किस वर्ष पारित किया हुआ है? तो ये हुआ है 1947 में, मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना 1947 में पारित हुआ है। राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा भोपाल में। मध्य प्रदेश लोकायुक्त भवन का नाम क्या है? इसका नाम है समाधान भवन, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? सही जवाब रहेगा 1966, यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1966 में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की दो खंडपीठ किस वर्ष स्थापित की गई? सही जवाब रहेगा 1968 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? सही जवाब रहेगा जबलपुर में महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य मुद्रणालय कहां पर स्थित है? सही जवाब रहेगा इंदौर में, ऑप्शन नंबर बी। महिला बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? सही जवाब रहेगा बैतूल में महिला बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। संजय गांधी युवा नेतृत्व तथा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, सही जवाब रहेगा होशंगाबाद में, ये आपका होशंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। पंचायती राज संचालनालय की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना 2007 में की गई, 2007 में पंचायती राज संचालनालय की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश पंचायतों में 50% महिला आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? यह किया गया सन 2007 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्राम सचिवालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 2004 में मध्य प्रदेश ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश सामाजिक समपरीक्षा समिति का गठन कब किया गया? 2013 में मध्य प्रदेश सामाजिक समपरीक्षा समिति का गठन किया गया। निम्न में से असत्य कथन को आपको चुनना है, इनमें से कौन सा असत्य कथन है? देखिए मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित 1976, मध्य प्रदेश सोशल ऑडिट नियम 2013 बिल्कुल सही है, कॉलोनाइजर अधिनियम 2014 बिल्कुल सही है, पंच परमेश्वर योजना 2012 बिल्कुल सही है। इसमें से आपको क्या बताना था? इसमें से आपको गलत बताना था, और गलत ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काशी प्रसाद पांडे समिति में कितने सदस्य थे? 15 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 15 सदस्य थे काशी प्रसाद पांडे समिति में। जनपद पंचायतों में कितनी सदस्य संख्या होती है? सही जवाब रहेगा 10 से 25 सदस्य संख्या होती है जनपद पंचायतों में। मध्य प्रदेश में प्रथम पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? सही जवाब रहेगा 1962 में मध्य प्रदेश में प्रथम पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। मध्य प्रदेश जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान, ये जिसको वाल्मी बोला जाता है, वाल्मी की स्थापना किस विभाग के अधीन ये आता है? वाल्मी। सही जवाब रहेगा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान। किसने भारतीय आत्मनिर्भर गांवों को लघु गणराज्य का नाम प्रदान किया? सही जवाब रहेगा चार्ल्स मेटकॉक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में द्वितीय पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? इसको पारित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 110% बनेगा, 1981 मध्य प्रदेश में द्वितीय पंचायती राज अधिनियम जो पारित किया गया ये 1981 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मध्य प्रदेश पंचायतों में निम्न में से कौन सी व्यवस्था लागू नहीं है? तो इनमें से महापौर का प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में पंचायतों में व्यवस्था भी लागू नहीं है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम स्वराज कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? सही जवाब रहेगा 26 जनवरी 2001 को। मध्य प्रदेश में कितने पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं अभी तक? देखिए, मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं इनकी संख्या 7 है। 7 पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम नगर पालिका चुनाव कब संपन्न हुए? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का 1994 में। 1994 में मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका चुनाव संपन्न कराए गए। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद कब समाप्त किया गया? सही जवाब रहेगा 1999 में। 1999 इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम कवर आपको करवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में महापौर के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन वे कब प्रारंभ किया गया? ये 1997 में प्रारंभ किया गया। सिंहस्थ मेला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सही जवाब रहेगा 1955 में। 1955 में सिंहस्थ मेला अधिनियम पारित किया गया। मध्य भारत नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1954 में मध्य भारत नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर पालिका की संख्या कितनी है? 98 वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई या हुई है? सही जवाब रहेगा 1994 में। 1994 में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निम्न में से कौन सी समिति नगर पालिका से संबंधित नहीं है? सादिक खान समिति, इसका संबंध नगर पालिका से नहीं है। बाकी हनुमंत राव दांत वाला समिति, राजेंद्र सरकार समिति, इनका संबंध नगर पालिका से है। निम्न में से किस योजना का क्रियान्वयन स्थानीय शहरी संस्थाओं द्वारा किया जाता है? युवा स्वाभिमान योजना हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में के विकास के लिए निम्न में से किस अभियान का संचालन किया जा रहा है? नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो संचालन किया जा रहा है यह मिशन नगरोदय का संचालन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संस्था नगरी प्रकाशन से संबंधित है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का डूडा भोपाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का 313 वर्तमान में मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या है। निम्न में से कौन सी योजना नगरी संस्थाओं के अधीन नहीं है? इनमें से नगरी संस्थाओं के अधीन आयुष्मान भारत योजना नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका तथा प्रथम नगर निगम क्रमशः किस वर्ष में गठित हुआ था? 1907 में, 1907 और 1964, माफ कीजिएगा 1907 और 1864 में। प्रथम नगर पालिका 1907 और नगर निगम 1864 में गठित की गई थी। मध्य प्रदेश में नगर परिषदों की संख्या आपको बतानी है, 294 नगर परिषदें वर्तमान में मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1956 में। मध्य प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित सीटों की संख्या यहाँ पर है 82। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित नहीं है? इनमें से आरक्षित जो लोकसभा क्षेत्र नहीं है इसका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा भोपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस निधि का उपयोग करने के लिए राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य होती है? ये होती है आकस्मिक निधि। मध्य प्रदेश के सबसे युवा राज्यपाल कौन थे? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल को राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार दिया गया था? सही जवाब रहेगा आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां यह राज्यपाल जो हिंदी भाषा से अनभिज्ञ थे, इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है के सी रेड्डी, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे? इनमें से विधानसभा अध्यक्ष जो है मध्य प्रदेश के नहीं रहे, इनका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा सत्यनारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में खुली जेल खोलने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। निम्न में से कौन सा संस्थान भोपाल में स्थित नहीं है? इसमें से वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान जो है ये आपका भोपाल में नहीं है, बाकी ये सभी भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई 1915 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की यहाँ पर बात की जा रही है 1998, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
परिवार न्यायालय किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? परिवार न्यायालय स्थापित किया गया है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य प्रशासनिक न्यायकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1985 में। 1985 हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब रहेगा जबलपुर में। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्तन के अधिकार के अधीन किसे अपने पद से हटाया गया है? तो यह हटाया गया है किसको? पल्लविका पटेल को। पल्लविका पटेल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायतों को पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है 1987 से। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि कमला जॉन का संबंध किस जिले से है? कमला जॉन का संबंध कटनी से है, कटनी से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जनपद पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे? 1971 में जनपद पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम संपन्न हुए थे। मध्य प्रदेश पंचायत निधि का गठन किस वर्ष किया गया? 1994 हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं सुपर फास्ट तरीके से। वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगला कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। गाइस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आप सभी कोर्सेस और जितने भी ईबुक वगैरह कोर्स है उनके सभी की डेमो चेकआउट की कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना गाइस, मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।